नेपाल का फरमान, किसान परेशान। जी हाँ, ये मधुबनी से खबरें आई है कि मधुबनी के किसान परेशान है। वजह, नेपाल के बॉर्डर पर जो बिहार के या कहे भारत के जो किसान हैं, वो हमेशा गन्ना नेपाल में बेचते थे, नेपाल के मिल में वो बेचते थे और उनको पैसा भी दे जाते थे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब से नोटबंदी के बाद नेपाल सरकार और भारत सरकार के बीच रिश्ते में खटास उत्पन्न हुआ है, कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ने लगी है। और इसका परिणाम आज यही है कि नेपाल सरकार ने बिहार के किसान से गन्ना लेने को साफ रोक लगा दिया है। हालांकि डीएम ने गृह मंत्रालय और भारत सरकार को इसकी सूचना त्रहमाम संदेश भेजा। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जरा इस खबर को देखिए कि किसान किस तरीके से परेशान है। किसानों की सुनिए सरकार। ये मधुबनी के वो किसान हैं जिनके खेत में गन्ना सूख रहे हैं। वजह भी सुन लीजिए। नेपाल सरकार ने भारतीय गन्ना की खरीद पर रोक लगा दी है। नेपाल के सिरहा जिले के चौहड़बा स्थित जिस हिमालय सुगर मिल में ये किसान अपने गन्ने को बेचते थे, वहाँ पाबंदी लग जाने से मधुबनी के भारत नेपाल सीमा के किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इनका खेती होता है हमारे यहाँ, लाखों क्विंटल लगी हुई है और कटा हुआ भी है। नेपाल में हम लोग बेचते थे, नेपाल मिल से आश्वासन मिलता रहा जो हम ले लेंगे, और कटा दिया ऊँख का जो नेपाल सरकार का आदेश है जो ऊँख नहीं लेना, तो हमारा ऊँख सूख रहा है। इसीलिए जिला पदाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं, या तो हमारा ऊँख बिहार सरकार ले, नहीं तो नेपाल जिला पदाधिकारी सरकार से बात करके ऊँख को बेचवा, नहीं तो हम लोग परसों से चक्का जाम विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, किसान करे भी तो क्या। हार थक कर डीएम शीर्षत कपिल से फरियाद की तो डीएम ने भी गृह मंत्रालय और नेपाल में स्थित भारतीय दूतावास को पत्र लिखने में देरी नहीं की। इस साल जो है बीज वगैरह उस मिल के द्वारा इनको उपलब्ध कराया गया, ऐसे किसान कह रहे थे, परंतु जो है अभी लेटेस्ट उनके सरकार के द्वारा जो है या मिल के द्वारा जो है उस पर रोक लगाई दी गई। इस संदर्भ में मैंने CDO धनुषा से भी बात किया है कल, और उनको रिक्वेस्ट भी किया है कि इस मामले को अपने स्तर से भी अपने उच्च पदस्थ लोगों से बात करें, और यहाँ पर राज्य सरकार और भारत सरकार और नेपाल एम्बेसी जो है और कॉन्सुलेट जनरल जो नेपाल में बैठते हैं भारत सरकार के, उनको भी हमने पत्राचार किया। खेत में लगे गन्ना बर्बाद हो रहे हैं। किसानों ने जल्द समस्या का समाधान नहीं होने पर चक्का जाम कर आंदोलन करने की धमकी दी है। कई सालों से यहाँ के किसान नेपाल के चीनी मिल को ही गन्ना बेचते आए हैं। ऐसे में चीनी मिल के गन्ना नहीं खरीदने पर किसान परेशान हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। कहीं आश्वासनों के समय चक्र में खेत में लहलहाते गन्ने सूख न जाए। कशिश के लिए मधुबनी से गौरव की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि जो बरसों बरस से जो चीज़ें चली आ रही थी, उस बॉर्डर इलाके के किसान अपनी गन्ना जाकर बेचते थे। वजह ये कहा जा रहा है कि जब से नोटबंदी हुआ, 500 रुपये नोट, 1000 2000 के नोट अब मार्केट में है, वहाँ लोग लेने को तैयार नहीं है। 100 200 रुपये नोट सही काम चला लीजिए, नहीं तो बाकी के बड़े नोट नहीं लेने, क्योंकि नेपाल में जितने बड़े नोट भारत के थे वो लेने से भारत सरकार इनकार कर दिया है। इससे काफ़ी दोनों देश के बीच रिश्ते में खटास आ गई है। ये वजह तो नहीं है। देखिए अब डीएम ने जिस तरीके से संदेश भेजा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है।